पद्म पुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रत के महत्व को विस्तार से समझने की विनती की। इस पर वासुदेव श्री कृष्ण ने उन्हें सभी एकादशी का महत्व बताया। इसी क्रम में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा और महत्व श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस प्रकार समझाया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, इसकी व्रत और पूजा विधि, इसका महत्व विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर की विनती स्वीकार की और बोले, हे युधिष्ठिर, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर व्रत और पूजन करने से सभी पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, इच्छा पूर्ति होती है। इस दिन भक्तों को मेरे वामन रूप की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान युधिष्ठिर को पूजा विधि, व्रत महत्व और व्रत कथा सुनाते हैं। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद, सूक्तों और याचनाओं से प्रतिदिन भगवान का पूजन किया करता था। नित्य विधि पूर्वक यज्ञ का आयोजन करता और ब्राह्मणों को भोजन कराता। वह जितना धार्मिक था उतना ही सूरवीर भी। एक बार उसने इंद्रलोक पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए। देव गुरु बृहस्पति सहित इंद्र देवता प्रभु के निकट जाकर हाथ जोड़कर वेद मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु ने उनकी विनय सुनी और संकट टालने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने वामन रूप धारण करके अपना पांचवा अवतार लिया और राजा बलि से सब कुछ दान स्वरूप ले लिया। भगवान वामन का रूप धारण करके राजा बलि द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में पहुँचे और दान में 3 पग भूमि मांगी। इस पर राजा ने वामन का उपहास करते हुए कहा कि इतने छोटे से हो, 3 पग भूमि में क्या पाओगे, लेकिन वामन अपनी बात से अटिग रहे। इस पर राजा ने 3 पग भूमि देना स्वीकार किया और 2 पग में धरती और आकाश माप लिए। इस पर वामन ने 3रे पग के लिए पूछा कि राजन, अब मैं 3रा पग कहाँ रखूँ। इस पर राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया, क्योंकि वह पहचान गए थे कि वामन कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा बलि से वर मांगने के लिए कहा तो राजा बलि ने भगवान से अपने साथ रहने का वर मांगा तो प्रभु बलि के साथ पाताल लोक रहने चले गए। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए इसे एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। जो लोग विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। इस दिन भगवान को कमल अर्पित करने से भक्त उनके और अधिक निकट आ जाते हैं। इस दिन व्रत और पूजन करने से ब्रह्मा विष्णु सहित 3 लोकों का पूजन करने का पुण्य प्राप्त होता है, अतः इस एकादशी को अवश्य करना चाहिए। आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्ण।